सेम इसी तरह का एक फ्लावर हम लोग और बनाएंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। इस फ्लावर से ना लुक बहुत अच्छा आता है। और जब भी मैं किसी इन जो मेरे क्लाइंट हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, जब भी मैं किसी कस्टमर के हाथ पे इस तरह से ये वाला जो फ्लावर है वो बनाती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि बहुत अच्छे फ्लावर्स बनाए हैं आपने। इस तरह से हम बड़ी पेटल ड्रॉ करेंगे, ये जो छोटी वाली थी। लेकिन ध्यान रखिए, इसको आपको भी लाइट ही ड्रॉ करनी है, ठीक है? लाइट ही आपको इसको ड्रॉ करनी है, इस तरह से। अगर अभी आपकी लाइन छूट रही है, कोई बात नहीं, सबकी छूटती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सेंटर से आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, दो। हम लोग जो ये फ्लावर बना रहे हैं इसको कॉफ़ी बीन फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पेटल्स है वो कॉफ़ी के बीन की तरह दिखती है, इसीलिए इसको आगे कॉफ़ी बीन फ्लावर भी कहा जाता है। वैसे तो आपको मेहंदी में कोई ये नहीं पूछेगा कि ये डिज़ाइन को क्या कहते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो और आप सिखाना शुरू करते हो तब आप इस तरह से हर एक डिज़ाइन को जो है वो नाम दे सकते हो। जब आप खुद लगाते हो ना, जब आप खुद लगाते हो ना, तब आपको इसकी कोई और नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके दिमाग में ही डिज़ाइन होती है कि ये वाला फ्लावर। लेकिन जब आप किसी फ्लावर को नाम दे देते हो ना, तो उस नाम से ही आपको डिज़ाइन याद आ जाती है, या किसी और को सिखाना भी है तब भी आपको ये जो है वो नाम से याद आ जाता है, ठीक है? नाम से अगर आप बोलेंगे कि कॉफ़ी बीन फ्लावर, कोई आपसे बोले कि कॉफ़ी बीन फ्लावर, तो आपके दिमाग में सीधा ये फ्लावर आएगा। अगर कोई ये बोलेगा कि मुझे फ्लावर बनाना है, या उसकी पेटल डार्क होनी चाहिए और लीफ टाइप पेटल होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए, तो इसे आपको समझ में नहीं आएगा, किसी और को भी समझ में नहीं आएगा, आपको फ़ोटो दिखानी पड़ेगी तो समझ में आएगा। बाकी अगर आप कहेंगे कॉफ़ी बीन फ्लावर, अगर आपके स्टूडेंट को कोई आपको बोले कॉफ़ी बीन फ्लावर, तो सीधा आपको ये वाला फ्लावर याद आएगा। इसी तरह से नाम देना ज़रूरी है फ्लावर को, जैसे कि गल्फ रोज, हम गल्फ रोज़ कहते हैं ना, तो सीधा हमारा ध्यान इस ही रोज़ पे जाता है, इन रोज़ेस पे ही जाता है गल्फ रोज़ जब हम बोलते हैं तो।